हम लोग चल रहे हैं, मनीष भी जा रहा है मेरे साथ दो दिन के बाद। तुम बंद रही है, बंदरी बंदर से सुंदर बन गया है कि नहीं, टाइप पे चर्चा हो रहा है तीनों जन का। पैसा खर्चा हो गया, नहीं खाओगी तो नहीं खाओगी। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फिर सुबह से उठ के इसको देखिए, रेडी होने में टाइम लगता है। देखिए, रेडी होती रहती है, तीन में चार बार पांच बार रेडी होती है। मैं रेडी। हाँ, यस, तुम रेडी? मैं रेडी ही नहीं रहती हूँ, मैं घर में उजला चमन के जैसे बनी रहती हूँ, इतना गर्मी में क्या करूँ। हाँ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। नहीं रहती हो ना तुम? इधर करो, ये देखो पाउडर लगा है। क्या बात, चार बार रेडी होती, इतना झूठ बोलती है ना। क्या और मुझको इतना टाइम नहीं मिल रहा है ना कि मैं मतलब सेविंग कराऊं। तो कटाना नहीं चाहिए मेरे अनुसार और मेरे ग्रह, तुम्हारे अनुसार और ग्रंथों अनुसार, इसके अनुसार दिशा दशा और ग्रह मंगल ग्रह अगर मैं देखूंगा तो मेरा तो सेविंग भी नहीं होगा कभी, ना बाल कटाने सकूंगा, ना खाने सकूंगा, ना कुछ करने सकूंगा। अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगी, ये क्या, ये मैं हूँ, कबीर सिंह बन जाऊंगा, इसलिए उससे पहले मैं सेविंग करवा के आया था। हम लोग चल रहे हैं, मनीष भी जा रहा है मेरे साथ दो दिन के बाद, मेरे साथ टीमो जा रहा है ना, बहुत दिन बाद भाई मैं नहीं लेके जा रहा था, इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है इसका, इसलिए और संडे हाँ संडे बंदी है, तो इसलिए इसको भी लेके चल रहा हूँ। मेरा थोड़ा सेविंग वगैरह करवाना तो है ही है। और एक्चुअली स्कूटी लेके निकल रहा था मैं, लेकिन फिर गाड़ी की हालत देखा आप लोग, यहीं से ग्लास देखिए, अंदर भी बहुत सारा गंदा है, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया रखा हुआ है कार हम लोगों का, तो इसलिए कार को थोड़ा सा वॉशिंग में भी देना पड़ेगा, तो इसलिए चल रहे हैं, कार थोड़ा सा वॉशिंग करवाएंगे मस्त, और थोड़ा मैं सर्विंग भी करवाऊँगा। तो पूरा भर्ती होकर रखा हुआ है, तो से आके बैठा हुआ हूँ मैं, अभी चांस नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअली, खाली हुआ मुझे सीट मिलेगा। बहुत देर बैठने के बाद इंतजार खत्म हुआ, मुझे आज बहुत देर बैठा दिया भाई, आज बहुत देर बैठा दिया मुझे, लेकिन जो भी हो मेरा जो दुर्दशा हुआ ना, इस दुर्दशा को ठीक करो भाई, बहुत खतरनाक दशा हो गया, तो जल्दी जल्दी कटवा ले रहा हूँ। इसको अच्छा लग गया मेरा रिंग ना, बीस है ना, मस्त हो गया मेरा एकदम, मतलब बंदर से सुंदर बन गया है कि नहीं, बंदर से सुंदर बन गया। अब चलते कुछ खाते, भूख लगे बहुत जोरों का। सर आ गए हम लोग का मस्त फ्राइड राइस, बहुत दिन के बाद खा रहे हैं इसे, हम लोग एक्चुअली बहुत दिन के बाद खा रहे हैं ना, साउंड पहले एक्चुअली हम लोग खाते थे, रेगुलर आते थे डिमो, तो खाते ही थे मोमो या फ्राइड राइस खा के ही जाते थे, लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं आ रहे साथ में, तो बहुत दिन के बाद से खुले में बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे पहले भी खाए हुए हैं, वहीं पे आके खाते थे पहले, कैसे बन रहे हैं? टेस्टी है, जल्दी से भी खा लेते हैं। खाओ के हो गया हम लोगों का, और इधर ले लिया हूँ कप केक, नहीं तो वो बोलेगी कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए, मुँह बनाती रहती है ऐसे झगड़ा करने का, तो चांस यही होता है, इसलिए मैं चांस नहीं दे रहा हूँ, तो उसके लिए कप केक ले लिया, झगड़ा नहीं होगा, इसलिए झगड़ा से मैं कितना बचता हूँ सोचिए आप लोग, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करना चाहती हूँ, है कि नहीं, बोलो तो। हाँ या ना, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि तो एक्चुअली मुझको कार भी वॉशिंग में देना था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक्चुअली बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था मंजे का वहाँ पे, इस वजह से कार अब सुबह ही वॉशिंग करवाऊँगा, मॉर्निंग में दे दूँगा वॉशिंग के लिए। इसको देखिए, दिन में ही सो गई है, मतलब दिन में भी सो जाती है, इतना ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में सो जाती है, मैं तो इसको देख के ही दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इतना गर्मी में आदमी कैसे सो सकता है भाई साहब। ये पंखा कोई काम का नहीं, ये पंखा हवा आ रहा है लेकिन कोई काम का नहीं है, पंखा इतना हवा नहीं दे पा रहा है कि आदमी आराम से सो पाए, लेकिन ये पूरा गहरी नींद में सो गई है, मतलब सच में अजीब अजीब इंसानों के बीच में रहना पड़ रहा है मुझको। और देखिए यहाँ पे चाय पे चर्चा हो रहा है तीनों जन का, दादी इन दोनों का चुगली करती है और ये अपना दो लोग का चुगली करती है। जादू दिखाओ, मैं बोला हूँ तो ठीक, जादू के लिए रेडी हो? रेडी। हाँ ठीक है, इधर आओ, इधर इधर फ्रिज की तरफ, हाँ फ्रिज खोलो, तीन नंबर वाला खोलो, देखिए जादू जादू कैसा लगा, बहुत अच्छा, जादू इसको बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, कपकेक बहुत ज्यादा पसंद है, कहाँ से लाया, कहाँ से लाऊंगा मैं, दुकान से लाया, यम्मी बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बड़ा मैं कहीं भी जाता हूँ ना घर से निकल के, तो इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, लेकिन ये गद्दार नमक हराम है, एक नंबर की पैसा मतलब खर्चा करने का, बड़ा खाने का तो पूरा मन है, लेकिन क्या पैसा बेकार में क्यों खर्चा किया, पैसा खर्चा हो गया, नहीं खाओगी तो नहीं खाओगी, दो नहीं खाओगी तो मैं खा जाऊंगा, अभी अकेले बैठो, आप अभी लेकर आए हो तो पैसा वेस्ट क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, मैं खा लूंगा ना, वेस्ट नहीं करूंगा पैसा, नहीं मैं खा लेती हूं, दो मैं खा लेता हूं, पैसा वेस्ट नहीं होगा, दो इतना महंगा लेकर आ गए हो, बेकार मतलब मैं पैसा वेस्ट, दो पैसा वेस्ट नहीं होगा, मैं खा लूंगा, तुम क्यों पैसा वेस्ट करोगे, मैं करूँ सब पैसा वेस्ट, आप समझ लाइएगा, ठीक है। चल रहा है इसका डिनर का प्रिपरेशन, और क्या बन रहा है, कुछ तो अच्छा बन रहा है, आलू कुछ तो अच्छा बन रहा है, झूठ नहीं बोलो, आलू
सच बोला ना आलू बोल रही है देखो सच बोला सच झूठ नहीं बोला सच बोला चिकन 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 ये देखिए और मिलन पानी ओए भाई आसाम का है बिना आलू का कुछ बनता ही नहीं वही तो बात है हम लोग आसाम के लोग बहुत यूनिक होते हैं हम लोग ऐसा ऐसा चीज बनाए खा लेंगे ना सिर्फ आलू पिटिका जो हम लोग वहाँ बोल रहे हैं ना आप लोग आलू पिटिका चख लेते हैं बनाए ना बना भी रखा भी हुआ है हम लोग का घर में आलू पिटिका तो बनता ही है रोज बनेगा ही बनेगा दोपहर में बनेगा ही बनेगा तो आलू पिटिका भी अगर आप लोग चख लोगे ना बहुत टेस्टी होता है आलू ऐसा चीज है ना जो सबके साथ मिल जाता है लालू का जैसा है और मेरे कॉलेज में ना स्कूल में मैम बोलती थी कि ना मुझको मैं आलू की रेसिपी हो तो सबके साथ मिल जाती है तो छोड़ो तुम तो मेकअप करके भी सुंदरी नहीं लग रही आज मैं सुंदरी कैसे लगूंगी आपके घर में आके खिचड़ी बन गई बंदरी हो गई है तुम बंदरी है बंदरी पता है तुमने तुम बंदरी है खिचड़ी नहीं बंदरी है बंदरी इन्होंने किया और दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया ना अभी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा था और 119 रन में ऑल आउट हो गया इंडिया 19 ओवर में तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया इसलिए मैच ही देख रहा था अभी एक ही विकेट गिरा है 9 ओवर में 51 रन हुआ है पाकिस्तान का और पाकिस्तान ऐसे भी जीतने वाला ऐसा लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा दिमाग तो खराब हो गया मेरा पूरा और इधर ये पूरा नींद में सो गई है तो ये सो गई आके और मैं मैच देखने लगा इस वजह से लेट हो गया और मैं आधा मैच छोड़ के आ गया क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े शॉट मार रहे हैं इजीली पाकिस्तान जीत जाएगा इंडिया से ऐसा लग रहा है मुझको इसे मैं देख नहीं पाऊंगा इसे मैच छोड़ के आ गया सोने के लिए और बहुत जोरों का नींद लग रहा है तो चलता हूँ सोने के लिए और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ आई होप आज का वीडियो आप लोग पसंद आएगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथ में बेल आइकन को दीजिएगा ताकि आपको रोज अपकमिंग वीडियो सुनने को मिल रहे मिलते कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ तब तक लोग थैंक यू सो मच टाटा बाय सी यू टुमॉरो बाय गर्मी में रोटी बनाने का थोड़े ऐसे दे हम जैसे बोलो किया।